स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मैथ नंबर वन पर। बात करेंगे आज क्लास 11 का चैप्टर जो है मेरा 12 है, ये विभाजन सूत्र पर आधारित प्रश्न है, यानी कि सेक्शन फार्मूला पर आधारित ये क्वेश्चन। आज हम बताएंगे कि कोई बिंदु जो है किसी रेखाखंड को अंतर्विभाजित करती है तो उसका निर्देशांक कैसे निकालेंगे, अगर कोई बिंदु जो है किसी रेखाखंड को बाह्यतविभाजित करती है तो उसका निर्देशांक कैसे निकालते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको वाकई में जो है आप एकदम जो है परफेक्ट रूप से या जो है किसी बिंदु को अंतः और बाह्यतः विभाजित, अगर कोई बिंदु अंतः और बाह्यतः विभाजित करती है तो उसका निर्देशांक आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले क्वेश्चन है कि बिंदु 2-2, 3-5 और 1-4, 6 को मिलाने वाली रेखाखंड को अनुपात 2:3 के अनुपात में अंतर्विभाजित करती हो, दूसरा कि 2:3 के अनुपात में बाह्यतविभाजित करती हो, तो उस बिंदु का निर्देशांक निकालिए। तो है देखिए ये बिंदु है, ये निर्देशांक है 2-2, 3-5 और ये बिंदु है क्यू 1-4 और 6। इसको जो है ये कोई बिंदु है जो क्या करती है अंतर्विभाजित करती है 2:3 में, यानी कि M1 हो गया 2 और M2 हो गया 3 के अनुपात में विभाजित करती है, तो इसका निर्देशांक निकालना है। ध्यान से देखिए अब निकालेंगे ये कब जब अंतर विभाजन होगा तब। तो x का निर्देशांक M1x2+M2x1/M1+M2, इसका सारा चीज़ का विवरण मैं पहले एक वीडियो दिया हूँ, विभाजन सूत्र का यानी सेक्शन फार्मूला का एक वीडियो मैं दिया हूँ, उसको चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो उसमें आपको प्लेलिस्ट में इसका सारा चीज़ मिल जाएगा। तो प्लीज़ पहले उसको देखिए तब ये देखिएगा तो काफ़ी मज़ा आएगा। तो M1x2, M2x1/M1+M2, एक्स M1 के जगह पर यहाँ से 2 है, X2 के जगह पर हाई देखिए हाई X1 है, हाई X2 है, हाई Y1 है, हाई Y2 है, हाई Z1 है, हाई Z2 है। तो X2 कितना है 1 है, प्लस M2 कितना है 3 है, X1 कितना है यहाँ से -2 है, और ये M1+M2 यानी M1 2, M2 3। तो ये 2 में 1 से गुणा 2, 3 दुनी 6 -6 चूँकि प्लस माइनस माइनस होता है, बट्टा 3 दो 5 हो जाएगा, 2 में से 6 घटेगा तो -4/5 ही आपका x का मान निकल गया। इसी तरह से y का M1 Y2+M2 Y1/M1+M2, अब M1 का मान भरिए, Y2 का मान भरिए, Y2 का मान -4, फिर यहाँ से M2 है, M2 का मान 3 भरिए, और Y1 का मान यहाँ से 3 भरिए, और M1+M2 यानी 2+3 हो जाएगा, ये 4 दुनी 8 हो जाएगा -8, 3 3 का 9, अब 3 दो 5 यानी कि 8, 9 में से ये एक माइनस में एक प्लस में, तो 9, 8, 17 ऐसा नहीं करते हैं, ये माइनस प्लस है तो 9 में से 8 घट जाएगी यानी 1/5 हो जाएगा। इसी तरह से Z2 का निकालेंगे, M1 Z2+M2 Z1/M1+M2, तो M1 का मान 2 हो गया, Z2 का मान ये Z1 है 6 हो जाएगा, फिर M2 का मान कितना है 2 है, सॉरी 3 है, Z1 का मान कितना है 5 है, M1+M2 यानी कि 2+3 हो जाएगा। तो 2 3 6 हो जाएगा, 6 दुनी 12, 3 5 15, 3 2 5 यानी 12 15 27/5। तो इस तरह से बिंदु का निर्देशांक निकालना था X1 Y1 Z1 यानी XYZ, तो इसका निर्देशांक हो गया यानी XYZ का मान यहाँ से X, ये Y और ये Z तीनों मान भर दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप निकालेंगे बाह्यतः, तो बस फार्मूला वही रहेगा, सिर्फ माइनस लगा देंगे, देख रहे ना, बाकी सारे चीज़ ये बाहर चला जाएगा, अब ये यहाँ पे ये अंतः था अब वो बाहर हो गया, तो यही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखा है, सिर्फ इसमें मैंने प्लस किया है और इसमें माइनस कर दिया है। तो इस तरह से आप दोनों वीडियो दोनों तो इसको थोड़ा सा पॉज करके देखेंगे, वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और आप इसी तरह से देखिए, इसमें कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करिए, मैं पुनः इसका वीडियो लेकर आऊँगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और ऐसी वीडियो आपको हमेशा चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, और इस चैनल पर क्लास 1 से 10 क्लास तक मैं टोटल वीडियो मैथ का दे दिया हूँ, उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका जानकारी इसका मिल सके। धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक।